वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, जिन्होंने एमए अरबिक और एमएसडब्ल्यू में फॉर्म दिया था और उनका रिज़ल्ट आ चुका है। आपको कैसे चेक करना है इसका प्रोसीजर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आपको जाना है jmi.coe पे और वहाँ पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जब आप सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट का आइकन आएगा, उस पर ओपन कर लेना है उसको क्लिक करके। यहाँ पे वेबसाइट ओपन होने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये एडमिशन आपको एक दिख रहा सेक्शन और उसमें एडमिशन रिज़ल्ट एक आई है, उस पर आप जाएंगे। एडमिशन रिज़ल्ट पे जाने के बाद कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है, हमारा है मास्टर्स। कोर्स नेम में आपको एमए अरबिक या एमएसडब्ल्यू कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैप्चा टाइप करके यहाँ पे सर्च आइकन पे आपको इसको सर्च करना है। जैसे आप सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे इस तरह से एक लिस्ट आ जाती है। ये देखिए, ये आज कल अपलोड हुए, ये एमए अरबिक का डेट भी डलिए कल अपलोड हुआ है। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और यहाँ पे लिंक है व्यू करने के लिए, तो हम व्यू पे जाएंगे, ये डाउनलोड होगा पीडीएफ और ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कोर्स नंबर और कोर्स नेम दिया है। इसके बाद यहाँ पे ये दिया है कि आपका एडमिशन कब से कब तक है, मतलब 10 से 12 तक आपके पास टाइम है एडमिशन लेने का, 1 बजे तक टाइम है। कहाँ आना है, ऑफिस ऑफ द हेड डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं आपके जो आपको सबमिट करने होंगे एज एन टाइम ऑफ एडमिशन। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, आप चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब पे। इसके बाद आता है कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स। ये देखिए, ये है इनके कट ऑफ मार्क्स। जनरल में 52, मुस्लिम में 48, मुस्लिम ओबीसी एसटी 43, मुस्लिम वुमेन 37 और जम्मू कश्मीर 33। यानी कि अगर देखा जाए तो एवरेज मार्क्स आए हैं, मतलब ना ज़्यादा हाई गई है कट ऑफ ना ज़्यादा लो गई है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। ये भी कैटेगरी वाइज ही होती है, जैसे ये देख सकते हैं जनरल है। जनरल में इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है 14 स्टूडेंट्स का, मुस्लिम में 9 स्टूडेंट्स, मुस्लिम ओबीसी एसटी 3 स्टूडेंट्स हैं, मुस्लिम वुमेन में 3 हैं और जम्मू कश्मीर में 2 हैं। इसके बाद आती है वेटिंग लिस्ट। अब आप कहेंगे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के बाद वेटिंग लिस्ट की क्या ज़रूरत। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से कुछ अगर किसी भी कारणवश नहीं ले पाते हैं एडमिशन, या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की पूरी हो जाती है जो लिस्ट आई है उनकी पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर बचता है आपके लिए सीट्स बचती हैं उस कोर्स में, तो इसलिए उसके लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है और आपको फ्रॉम द टॉप लेना स्टार्ट किया जाता है, जिन जिनको भी एडमिशन मिल जाएगा फ्रॉम द टॉप, अगर लिस्ट अगर स्पेस होगा उनके पास। सो ये देख सकते हैं आप कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है लिस्ट, इसमें तो नहीं है लेकिन बाकियों में 100s to 200s तक जाती है लिस्ट। 36 है इसमें वेटिंग में जनरल कैटेगरी में, फिर ऐसे ही मुस्लिम में भी है, मुस्लिम एबीसी एसटी जम्मू कश्मीर सबके लिए ही है ये वेटिंग लिस्ट। सो ऐसे ही आप एमएसडब्ल्यू का भी अपना फॉर्म चेक कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज हु आर सेलेक्टेड। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।